बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रोस्ट पीस बना रहे हैं, जिसके हमने छोटे पीस कराए हैं इतने इतने, ज़्यादा बड़े नहीं कराए। इसमें जो जो मसाले डालेंगे वो ये हैं: चिकन पाउडर 1 चम्मच, पिसी हुई धनिया 1 चम्मच, नमक, काली मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच, 1 चम्मच सर्फ मसाला, आधा चम्मच अदरक पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। ये सब मसाले दही में जाएंगे। एक चम्मच लहसुन पाउडर, दो चम्मच इसमें जाएंगे नेशनल वालों का टिक्का मसाला। अब हम इन दही में सब मसालों को मिक्स कर लेंगे। लगा के एक साइड पर रखते जाएंगे। लगा के कम से कम आप 2 घंटे के लिए लाजमी रखें। तकरीबन 2 किलो के करीब चिकन था। जो कि इस तरह हमने काट लगा लिए। दो घंटे हो गए हैं। अब हम इसको क्रिस्पी बनाने के लिए कुछ और मसाले ऐड करेंगे। ये गोश्त उठा के पूरा इधर रख देंगे। अब इसमें 4 चम्मच बेसन के डालेंगे। फूड कलर भी है इसमें, आधी चम्मची येलो कलर का। कॉर्नफ्लावर 4 चम्मच, मैदा 4 चम्मच, सुर्ख बीजों वाला मसाला 1 चम्मच, 3 चम्मच सिरके के, और ये तिल ने 2 चम्मच भरे हुए। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। करीब 1 चम्मच पानी डाल देंगे। अब ये वापस इसमें लगा देंगे। सारे इसी तरह लगा के 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये एक साइड से फ्राई होते थे, हम दूसरे साइड उलट देंगे। इनको मैंने थोड़ा सा बॉयल किया था, उसके बाद आधा कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर से कोटिंग किया है सारी।
अब ये सारे फ्राई करेंगे इसी तरह। तकरीबन 10 से 15 मिनट लग रहे हैं फ्राई करते हुए। तो ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको निकालने लगे। अब ये सारे इतना डाल देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट इनको लगेंगे, तो मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।